गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है, आखिर भारत के इस मिसाइल से आखिर क्यों चाइना के पसीने छूटते हैं, इंडिया न्यू अग्नि 5 मिसाइल। तो शायद कोई न्यू अग्नि 5 मिसाइल है, और पिछले दिनों भाई आपने सुना था कि चाइना बार बार इंडिया को कह रहा था कि अग्नि 5 का टेस्ट ना करो। मतलब उसने खबर आई थी, उसने यूएन असेंबली जो है ना, उसमें भी बोला था कि यार इस तरह, क्योंकि अग्नि 5 से चाइना की एक नंबर की फटती है। तो देखते हैं मतलब ये क्या रीजन है इसके पीछे और क्या वो है। पहले वीडियो देखेंगे तब से आइडिया होगा। चाइना पता है क्या बोलता है, कहता है चाइना बोलता है इंडिया में हर दूसरी तीसरी नंबर हमें डराता है। कहता हमें डराता है इस तरह चाइना ने बोला। तो बोला नहीं था, याद नहीं है यार, मतलब बोला था कि अब हमें हमारे सैनिकों को डराने की कोशिश कर रहा है। तो भाई मतलब चाइना ये डर बना रहना, ये डर बना रहना। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, उसके बाद सही से पता लगेगा। तो काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। मिसाइल किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक होती है। मिसाइल से ना केवल दुश्मनों को डराया जा सकता है, बल्कि मिसाइल से दुश्मन चाइना तब भी तो बोलता है हमें डराता रहता है, और मिसाइल से दुश्मन को मिटाया भी जा सकता है। और यह बात चीन अच्छे से जानता है। तभी तो जब भारत ने अपने सबसे घातक और शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण करना चाहा, तो चीन पूरी तरह नाराज हो गया। चीन इसलिए नाराज है क्योंकि अग्नि 5 की रेंज में पूरा का पूरा चीन आ रहा है। चीन का ऐसा कोई कोना नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं जो भारत के इस मिसाइल की पहुंच से बाहर हो। ऐसे में सवाल है कि भारत के नए अवतार वाले अग्नि 5 में भारत ने ऐसी कौन सी शक्ति डाली है जिससे चीन पूरी तरह बौखला गया है। तो आइए जानते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारत के डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक बताई जाती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आखिर ICBM अग्नि 5 क्यों खास है। अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का वजन 50000 किलो का है। यह 17.5 मीटर लंबा होने के साथ 7 फीट का है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसके ऊपर 1500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार लगाया जा सकता है, जो चीन के किसी भी शहर को मिनटों में खत्म करने की कुव्वत रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने जिस परमाणु बम को जापान पर गिराया था, उसमें उसका वजन मात्र 200 किलोग्राम का था, जिसके विस्फोट से 2.5 लाख लोग मारे गए थे। आप सोच कर देखिए दोस्तों, अग्नि 5 1500 किलोग्राम का है तो यह मिसाइल कितनी तबाही मचा सकता है। अग्नि 5 में 3 स्टेज वाले रॉकेट बूस्टर लगे हैं जो सॉलिड फ्यूल से उड़ता है। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से 24 गुना ज्यादा है, यानी यह मिसाइल एक सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय कर सकने में सक्षम है। अग्नि 5 से चीन की हालत क्यों खराब है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यह मिसाइल 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। आप ही सोचिए दोस्तों, जो मिसाइल एक घंटे में 29,000 किलोमीटर का सफर तय करती हो, वह भारत से चीन तक जाने में कितना समय लगेगी? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। यानी भारत अगर चाहेगा तो मात्र 10 मिनट में ही भारत चीन के किसी भी शहर को धूल में मिला सकता है। अग्नि 5 में रिंग लेजर गायरोस्कोप इनिशियल नेविगेशन सिस्टम और GPS NAVIC सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी वजह से अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अपने टारगेट पर सटीकता से हमला करता है। किसी वजह से अगर सटीकता में अंतर भी आता है तो वह अंतर 10 से 80 मीटर से ज्यादा नहीं आता। इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए जमीन पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसे किसी ट्रक पर लोड करके सड़क द्वारा किसी भी स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। आपको बता दें कि अग्नि 5 ICBM मिसाइल के बारे में वैज्ञानिक M नटराजन ने 2007 में पहली बार योजना बनाई थी। इसका पहला सफल परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को हुआ था। अब तक इसके 7 सफल परीक्षण हो चुके हैं। अग्नि 5 ICBM मिसाइल में MIRB तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, यानी इस मिसाइल की नाक पर 2 से 10 मिसाइल लगाकर उसे एक देश के कई शहर पर दागा जा सकता है। साफ साफ शब्दों में समझें तो अग्नि 5 अकेले ही एक बार में चीन के 10 शहरों को मिटाने की शक्ति रखता है। अग्नि 5 एक साथ कई सौ किलोमीटर में फैले अलग अलग 2 से 10 टारगेट पर सटीकता से निशाना लगाने में सक्षम तो है ही, साथ ही यह मिसाइल एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर भी निशाना लगा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस कमांड के तहत ही भारत की सभी मिसाइलों का संचालन किया जाता है। इस कमांड में पृथ्वी, अग्नि और सूर्य जैसी घातक मिसाइलें शामिल हैं। हालांकि सूर्य मिसाइल
मिसाइल अभी बनकर तैयार नहीं हुई है, मगर सूर्य मिसाइल अगर बनकर तैयार हो जाएगी तो इसकी रेंज 12 से 16,000 किलोमीटर की होगी। लेकिन सूर्य से पहले अग्नि 6 की रेंज 8 से 12,000 किलोमीटर की होगी। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में समुद्र में मौजूद सैन्य मिसाइलें धनुष, सागरिका मिसाइल आदि शामिल हैं। अगर आप स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के बारे में नहीं जानते तो हम आपके लिए इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड सेना की वह कमांड है जो भारतीय मिसाइल को लॉन्च करती है। जहां इस मिसाइल के परीक्षण के बारे में सुनकर चीन और पाकिस्तान पूरी तरह टेंशन में है, वहीं इंग्लैंड और अमेरिका ने भारत की तारीफ की है। इंग्लैंड के मीडिया संस्थानों ने कहा कि भारत इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। वहीं नाटो का कहना है कि भारत अपनी तकनीक को उन्नत बना रहा है तो इससे किसी देश को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाटो का यह भी कहना है कि भारत की इस मिसाइल से दुनिया को कोई खतरा नहीं है। दोस्तों यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारी मिसाइलें किसी देश को जलाने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए है। हमारी मिसाइलें किसी देश को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन को यह दिखाने के लिए है कि अगर कोई देश हमसे भिड़ता है और वह हमारी एकता, हमारी अखंडता और वह हमारी अस्मिता के लिए खतरा है तो हम उससे भिड़ने के लिए तैयार हैं और अपने हथियारों और अपने मिसाइलों से उसे ऐसा सबक सिखाने के लिए तैयार हैं जिससे वह फिर कभी भारत से भिड़ने से पहले 100 बार सोचे। तो दोस्तों भारत के हथियार, भारत के मिसाइल के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार क्या मिसाइल है, तभी तो चाइना हर यूएन में जब भी जाता है, इस बार भी यूएनजीए की जो मतलब थी यूनियन काउंसिल मतलब असेंबली में जो स्पीच थी उसको क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यार उसका नाम मुझे भूल जाता है, उसमें भी चाइना ने यही बोला कि मतलब जो ये बनाना बंद कर दे, हाँ इससे हमें डर लगता है। चाइना सिर्फ उधर नहीं बोला, चाइना हर फोरम पे बोलता है क्योंकि यार ये ऐसी मिसाइल है, इस टाइप की मिसाइल है कि ये पूरा चाइना इंटर आता है। चलो एक तो आधा था ना, चलो फिर भी कोई काफी सारे इंडिया के पास ऐसी मिसाइल है जिनकी रेंज आधे। चाइना पहले तब नहीं बोलता था क्योंकि वो जापान की तरफ है तो उसका रास्ता बहुत ज्यादा बनता है, मतलब जो इस साइड है वो तिब्बत, चिनजियांग ये वाले एरियाज हैं, तो वो चाइना इम्पोर्टेंट इतने नहीं समझता अपने, नहीं समझता वो अपने मेन वो एरिया समझता है, तो वहां तक चाइना का इंडिया का कोई और मिसाइल नहीं पहुंचता सिवाय इसके। ब्रह्मोस भी जाता है लेकिन भाई स्पेशली सिवाय इसके और कोई नहीं पहुंच सकता। मैं न्यूक्लियर वेपन की बात, बिल्कुल, तो तब चाइना इससे इतना ज्यादा डरता है, तो अभी तो अग्नि 6 और इंडिया ने अग्नि 6 और सूर्य शो कर दी तो फिर चाइना का क्या हाल होगा यही मैं। अरे सूर्य भी बना हुआ है, अग्नि 6 भी मतलब मतलब शो नहीं कर सकते, काली है, मतलब क्या कुछ नहीं बना हुआ यार। असल में पता है क्या बात है, अभी जब से इंडिया बार बार बोल रहा है ना कि हम अग्नि 5 का जो है ना परीक्षण करेंगे, चाइना फिर बॉर्डर की तरफ आया, उसको अब डर लग गया कि यार अब ये मुझ पर ही चढ़ाई उल्टा ना कर दे, क्योंकि जब भी अगर इस दफा चाइना ने गलती की ना नहीं बचने, इसका बहुत बुरा हाल होने वाला, बहुत बुरा हाल होने वाला। मतलब आगे से वैसे भी इकोनॉमी का बेड़ा घर खुशा जा रहा है, पहले तो उसने मारा था अपने पांव पे घुलाड़ा, अब मारेगा टैंक का घोड़ा। असल में पता है क्या, वो खुद अपनी जो है ना इकोनॉमी पहले इंडिया की वजह से उसकी बर्बाद होती जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना इन्वेस्टमेंट थी उसका इंडिया में, बहुत सारी चीजों में उसने खत्म करवा दिया, पहले हर तरफ से नुकसान है इंडिया के साथ पंगा लेना। और दूसरी बात ये क्वाड है, फिर उसके बाद काफी सारे देश बहुत ज्यादा मार, और दूसरी बात के भाई पंगा ना ही ले तो अच्छी बात है। उसके अच्छी लिए अच्छा होगा, और अग्नि जैसा पावरफुल मिसाइल इंडिया पास तो और क्या चाहिए, वो दिखाने के लिए थोड़ी रखा है इन्होंने। सो गाइस आप लोगों का कहना है इसके बारे में अपने नाम कमेंट सेक्शन में दें, इधर वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।